आपने देखा होगा कि जो बिगनर्स हैं, जो व्हाइट बेल्ट से ब्लू बेल्ट होते हैं, जो कराटे सीख रहे होते हैं, वो भी बिगनर्स होते हैं और वो हर किसी से फड्डा लेना करना चाहते हैं, पंगा लेना चाहते हैं। लेकिन जो ब्लैक बेल्ट होते हैं, दे मेंटेन देयर कूल एंड दे आर काम काम। व्हाई? बिकॉज उनको पता होता है कि इफ ही मेसेस विद मी ही इज गोना डाई, तो वो किसी से पंगा लेना नहीं चाहते। एंड दे आर कूल एंड काम, दे नो हाउ मच पावर दे हैव एंड वट दे कैन डू द अदर पर्सन। सो इसलिए वो चाहते हैं कि किसी से मसला ही ना करें। एंड इट इज द पार्ट ऑफ देयर ट्रेनिंग कि उनको काम रहना पड़ता है। ये उनको सिखाया जाता है सबर करना, नॉट टू गो इन टू फाइट, एंड एवरी बैटल इज नॉट टू बी फॉट। तो जितना इंसान इल्म में बढ़ता चला जाता है, उतना ही वो नरम मिजाज होता जाता है। इमाम ज़ाहिबी रहमतुल्लाह तारीख़ इस्लाम में एक बड़ा अमेजिंग वाकया लेके आते हैं। एक शख्स था जिसके बारे में, जिसका नाम था मसूद इब्ने अब्दुल्ला अल हमदानी। उनके बारे में आता है कि काना ख्यार नास, के वो नेक लोगों में से थे, अच्छे लोगों में से थे। जो जो शख्स उन पे जुल्म करता या जाती क्या थी कि कुछ दिन बाद जब वो शख्स आता है इनके पास, मसूद के पास, तो रियलाइज करता कि मुझसे गलती कोताही हो गई है, वो उनसे माफी मांगता। तो मसूद इब्ने अब्दुल्ला हमदानी कहते हैं कि अलमाजी ला यूज कर, अलमाजी ला यूज कर, कि जो माजी है उसको याद ना करो, वो चला गया, पुरानी बातों को याद ना करो। और इनका ये वतीरा था और इनकी आदत थी, वो हर बंदे को कहते हैं कि अलमाजी ला यूज कर, कि जो हो गया उसको भूल जाओ, उसको मत याद करो। एक शख्स जब उनकी वफात हो गई, तो एक शख्स ने ख्वाब में देखा और मसूद अल्लाह ताला के सामने खड़े हुए थे, और मसूद की जब हिसाब किताब होने वाला था, तो वो शख्स देखता है ख्वाब में कि अल्लाह सुब्हान तआला ने उसको फरमाया, या मसूद अलमाजी ला यूज कर, पुरानी बात को याद ना करो, वो सामने जन्नत है उसमें दाखिल हो जाओ और चले जाओ। अल्लाह अकबर। जो इंसान अल्लाह के बंदों को माफ करता है, अल्लाह ताला उसको माफ कर देते हैं। तो इस आदत की वजह से कि वो लोगों को माफ किया करता था, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने उसको भी माफ कर दिया। एक और शख्स के बारे में हदीस में आता है कि वो शख्स क्या करता था, उसकी आदत ये थी कि लोगों को कर्ज देता था, जिसको लोन की जरूरत होती थी उसको लोन दिया करता था। तो जब भी कोई आता इंसान उसके पास एक्सटेंशन के लिए ऑफ डेट्स, कहता ठीक है एक्सटेंड कर ली जाए, तुम्हें कितने महीने चाहिए, कहते 2 महीने, ठीक है तुम 4 महीने ले लो, मुझे 4 महीने बाद पैसे दे देना। और जो शख्स आता उससे, उसके पास कहता कि मेरे में इस्तेआत नहीं आपके पैसे वापस करने की, तो वो उसको माफ कर देता जो पैसे उसको पे ना कर पाता। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास जब वो गया क़यामत के दिन, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कहा कि तुम मुझसे ज्यादा रहीम हो, तुम लोगों को माफ किया करते थे, आज मैं तुम्हें माफ करता हूँ, जाओ मेरी जन्नत में दाखिल हो जाओ। अल्लाह रब्बुल आलमीन की गैरत जाग जाती है जब लोगों को माफ करते हैं। तो अरहम और रहमीन कहते हैं कि तुम मेरे से ज्यादा माफ करने वाले तो नहीं हो, तुम मेरे बंदों को माफ किया करते थे, मैं तुम्हें आज माफ करता हूँ। फमन आफा व असलहा फअजरहु अल्लाह, अल्लाह ताला कहते हैं जिसने माफ किया और सुलह की, फअजरहु अल्लाह, तो उसका अजर अल्लाह की जात के ऊपर है। अल्लाह ओज हिम अ रिवॉर्ड। कि क्यामत के दिन जब तमाम उम्मतें अपने कदमों पे होंगी, अपने घुटनों पे होंगी, अपनी नीज पे होंगी, क्योंकि सूरह जासिया में भी आता है कि कुल उम्मतिन जासिया, तमाम उम्मतें अपने घुटनों पे गिरी भी होंगी, तो उस टाइम अल्लाह सुब्हानहु व तआला मुनादी करेंगे और आवाज लगाएंगे कि ला यकूमा इल्ला मन अजरहु अल्लाह, कि आज कोई ना खड़ा हो एक्सेप्ट उस बंदे के जिसका अजर मेरे ऊपर है, टू हुम आई ओ अ रिवॉर्ड। और फिर फरमाते हैं कि नो वन विल बी एबल टू स्टैंड अप ऑन दैट डे एक्सेप्ट दोज हु फॉरगिव एंड फॉरगेट, जिन्होंने अल्लाह की रजा के लोगों को माफ किया था। तो मैं चाहता हूं कि मैं उन लोगों में से बन जाऊं जो अल्लाह की रजा के लोगों को माफ करें, ताकि अल्लाह ताला उनको माफ कर दे। और फिर कहते हैं कि मेरे बेटे याद रखो और कोशिश करो जिंदगी में कि तुम्हारी वजह से कोई भी शख्स जहन्नम में ना जाए, तुम्हारी वजह से अल्लाह सुब्हान तआला किसी भी शख्स को अजाब ना दे। हमेशा इस कोशिश में रहना, लोगों को माफ करो ताकि अल्लाह ताला उनको माफ कर दे और तुम्हारी वजह से किसी को अजाब ना मिले। जो शख्स लोगों को माफ करता है, अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको माफ कर देते हैं क्यामत के दिन। जो लोगों पे रहम करता है, अल्लाह उस पे रहम फरमाते हैं। तो आज तक जिसने भी हमसे जुल्म किया, ज्यादती की, हमें हमारे बारे में गीबत की, हमारे बारे में कुछ बुरा भला कहा लोगों को, या पब्लिकली बुरा भला कहा, या फेसबुक इंस्टाग्राम पे कुछ बुरा लिखा या गीबत की, या हमें जुल्म ज्यादती तकलीफ पहुंचाई, उसको इस रमजान के महीने में अल्लाह की रजा के लिए माफ कर दें। और इस नीयत से कि या अल्लाह मैं तेरे बंदों को माफ कर रहा हूँ, तू तो अरहम और रहीम है, या अल्लाह मैं तो छोटे दिल वाला, मैं तो हरीस हूँ, मैं तो गुनाहगार हूँ, मैं तो तंग दिल वाला हूँ, या अल्लाह जब मैं माफ कर सकता हूँ इंसानों को जिसने मुझ पर जुल्म और ज्यादती की, तेरा तो अरहम और रहीम है, तू भी नहीं माफ कर सकता, तू भी मुझे माफ कर दे इसी अमल के लिए। और असल माफ करना क्या है, असल सिला रहमी क्या है, तुम उससे जोड़ो जो तुमसे तोड़े, जो तोड़े उससे जोड़ो, जो जुल्म करे उसे एहसान करो। जो शख्स तो अच्छा है मेरे साथ, उसके साथ मैं अच्छा रहता हूँ, तो ये भी कमाल नहीं है। जो शख्स मेरे घर खाना भेजता है,
उसको मैं वापस खाना भेजता हूँ, ये कोई कमाल नहीं है। असल तो कमाल यह कि जो शख्स मुझे गालियां दे और मैं उससे घर तोहफे भेजूं, असल कमाल यह कि जो मेरे से तोड़े उसे मैं जोड़ूं, और यही सिला रहमी। और अल्लाह ताला ऐसे लोगों से बहुत मोहब्बत करते हैं। जो शख्स चाहता है कि उसकी जिंदगी को लंबा कर दिया जाए और उसकी जिंदगी में बरकत, उसको माल रिस्क भी दिया जाए, तो वो क्या करे, वो सिला रहमी किया करे। इसका मफहूम है, मफहूम है। तो अल्लाह सुब्हानहू तआला इस नेकी से बहुत मोहब्बत करते हैं और चाहते हैं कि मेरे बंदे लोगों को माफ करना शुरू हो जाए। तो अल्लाह ताला हम सबको भी नेक लोगों में से बनाए। सो दिस वॉज ऑल फॉर टुडे, माय बेटर वर्जन। अल्लाह ताला हमें भी ये आदत को इंडल्ज कर दे, हमें इंटीग्रेट कर दे हमारी नेचर में आदत, और हमें भी एक बेहतर इंसान बनाए जो कि लोगों को माफ करने वाले हैं। क्योंकि बदला तो हर कोई लेने वाला है, थप्पड़ तो दूसरा हाथ भी मारता है। हर बंदा मुंह से बुरा बोल रहा है, लेकिन आपकी जात ऐसी होनी चाहिए कि जो आपने जुल्म करे उसको आप माफ कर दें। अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कभी वाकया हमारे सामने है कि जब वाकया इफ्क हुआ, मतलब कौन सा वाकया जिसमें हजरत आयशा पे तोहमत लगी और एक बड़ी बुरी तोहमत लगी, और जिसमें बहुत मुनाफिकीन तो शामिल थे, नेक लोग भी शामिल हो गए, और इनमें से एक नेक इंसान कौन थे, मिस्ताह बिन अथाथा, जो कि अबू बकर सिद्दीक के रिलेटिव थे, और अबू बकर सिद्दीक उनको मंथली वेज दिया करते थे, मंथली उनको पैसे दिया करते थे उनका खर्चा उठाने के लिए। तो मिस्ताह बिन अथाथा भी उस तोहमत में शामिल हो गए और बहक गए और कुछ अल्फाज बोल दिए। तो अबू बकर सिद्दीक को जब गुस्सा आया कि इसको मैं खिला पिला रहा हूँ और ये मेरा रिलेटिव है, इसने मेरी बेटी पे भी तोहमत लगाई, मतलब ये भी शामिल हो गया उस तोहमत में, तो उन्होंने कहा कि आज के बाद जाओ, मैं तुम्हारा लगान नहीं दूंगा, तुम्हें मैं ये मंथली वेज नहीं दिया करूंगा। तो अल्लाह सुब्हान व तआला ने कुरान की आयत नाज़िल कर दी और कहा कि अला तुहिब्बूना अन यग़फिरल्लाहु लकुम, क्या तुम नहीं चाहते कि अल्लाह ताला तुम्हें माफ कर दे। तो अबू बकर सिद्दीक रोने लगे और कहा कि बला या रब, या रब हम चाहते हैं कि आप हमें माफ कर दें। और फिर मुस्ताह बिन असासा को बुलाया और कहा कि आज से बाद मैं तुम्हें वापस तुम्हारा खर्च जारी करता हूँ और इसे बेहतर खर्च देना शुरू कर दिया। इस्महु यस्महु लकुम, तुम लोगों को माफ करो, अल्लाह ताला तुम्हें माफ करेंगे। आइट मेक अस अ बेटर वर्जन ऑफ आवरसेल्व्स, और हम डेली बेसिस पे इम्प्रूव करें। और इस सेशन में मैं चाहिए चाहता हूँ कि मैं आपसे ऐसी कुछ बातें शेयर करूँ जो कि हम अपनी नफ्स पे, अपनी पर्सनैलिटी में इम्प्लीमेंट करके अपने आप को रोजाना बेहतर बनाएं, कल से पिछले दिन जो गुजरा था उसे बेहतर बनाए। क्योंकि मोमिन का हर अगला दिन पिछले से बेहतर होता है। जिसका आज गुजरे कल से बेहतर नहीं है, और जिसका आने वाला कल आज से बेहतर नहीं है, वो खसारे में है। और इसी वजह से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हमें अशरफुल मखलूकात बनाया है कि हमें ये क्वालिटीज हैं, हम इन क्वालिटीज को अडॉप्ट करके अपने आप को बेहतर इंसान बना सकें। आप लोगों को माफ करें, आप लोगों को माफ करें। आप यकीन जाने, दिस इज अ बर्डन। जो शख्स हसद अपने दिल में रखता है ना, वो सबसे पहले खुद ही जल के मरता है। ये जो नेगेटिव थॉट्स है ना, इनको निकालें। अगर लोग आपको माफ नहीं कर रहे, आप लोगों को माफ करें। ये चीज इंशाल्लाह आपको बिल्कुल परेशानी से निकाल देगा।